ओम शांति। अब यहाँ तुम बच्चों का मुख रोज मीठा कराया जाता है, अब यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं और मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है और मुख से खाती है तो उसका स्वाद आता है। का स्वाद आता है ना, हमने जो चीज देखी, आंखों ने देखी है ना, मुख ने खाई तो स्वाद आता है ना। अब ऐसे कान से सुनती है अविनाशी ज्ञान रहता है तो कान भी मीठे हो जाते हैं और मीठा भी तुमको रोज खिलाया जाता है यहाँ पर। और नैनों से देखती, मुख से खाती है तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। हाँ, अगर देह अभिमान भी आया हो ना तो भी मुंह मीठा भी डालेंगे तब भी मीठे का स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि अंदर तो कड़वाहट है ना। सोचो पहले नीम खा लो, नीम खा ली, अब कड़वा माना देह अभिमान रूपी नीम खा ली, अब आप मीठा खाओ, अच्छा मीठा लगेगा क्या? हाँ, उसी का बार बार ऐसे नीम का स्वाद आता रहेगा, कड़वी होती है ना नीम। है किसी को अनुभव है? हाथ खड़ा कर जिसको अनुभव है, और जिनको नहीं आ खा के देख लेना। हाँ, अब ये नीम क्या है? देह अभिमान। जब जब देह अभिमान आया होता है ना, भले उसको कितनी भी प्राप्ति हो रही हो, उसको अनुभव नहीं होता। तो जैसे ही उसका स्वाद आएगा मुंह में ऐसे कड़वाट आ जाएगी। तो ये जो नीम है ना, ये देह अभिमान है। अगर देह अभिमान ही वस्तु होगी ना तो ही मीठा अनुभव होगा, वरना मीठा अनुभव नहीं होगा। अब ये मीठापन क्या है? मन देह अभिमान अवस्था। और जैसे ही देह अभिमान आया, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल भी रहा होगा, तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि तो कहीं और अटकी पड़ी है, आपकी इच्छा पर। और अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई, थोड़ी देर के लिए नाचेंगे कूदेंगे गाएंगे और फिर कोई इच्छा आ जाएगी, फिर उसको पूरी करो। इच्छा मात्र अविद्या बनना है कि नहीं बनना है? नहीं, मेरी तो ये इच्छा है, मेरी तो ये इच्छा है, तो ऐसे मोटे बुद्धि वाले पत्थर बुद्धि रहते हैं और देह अभिमान में ग्रसित ही रहते हैं। देह अभिमानी अवस्था नहीं होती है। बाबा की जो श्रीवत कहती है, बाप का कहना मानना है, उनका ही कहा मानना है, ऐसे बच्चे बाबा को बड़े प्यारे होते हैं। ऐसे तो बाबा बाबा हर कोई कहता रहता है, तुम भी करो बाबा बाबा, ऐसे तो तुम्हारा दिल में ना प्यार भरेगा नहीं, खाली खाली लगेगा ऐसे, है ना, ऐसे खाली खाली है। बाबा का प्यार अनुभव ही उसी बच्चे को होगा जो देही अभिमान अवस्था बनाएगा, जिसे देह अभिमान नहीं होगा, समझे? तो देह अभिमान है नीम समान, नीम खा के फिर मीठा खाना, मिलके खाना, हाँ, बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही देह अभिमान धारण कर लो, आपको वही प्राप्तियां जो मीठे समान है अनुभव ही नहीं होगी, ऐसी अवस्था हो जाती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, ओम शांति।